हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं क्रिसंदा सॉल्यूशंस की। ये कंपनी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। आज इसमें फिर गिरावट है, 1.73% की गिरावट है। ये स्टॉक 26.20 की प्राइस पर चला गया है। तो आइए इसके टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। आपके सामने लास्ट वन ईयर का टेक्निकल चार्ट पैटर्न अवेलेबल है। यहाँ पे देखो, दी जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेट ही करता दिखाई दे रहा है। आजकल इसके स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटा आप देख सकते हो, इसकी यदि हम ट्रेंड लाइन चेक करें, ये इसकी रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन बन रही है, दैट इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो एक डिक्रीजिंग पैटर्न यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली नीचे ही गिरता दिखाई दे रहा है और इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। तो जैसे ही ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन के अराउंड जाता है, फिर बहुत ही बड़ी गिरावट होती है। फिर इसने सेकेंड टाइम कोशिश किया इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की रैली के बाद, फिर बड़ी गिरावट हो गई। फिर इस स्टॉक में यहाँ पे देखो, ट्रेंड लाइन के अराउंड ही जो है वो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एक तरह से कंसोलिडेशन देखने को मिली हुई है। तो यहाँ पे देखो, इसके जो सपोर्ट लेवल हैं वो भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। ये जरूर एक अच्छी बात है कि इस कंपनी के स्टॉक के जो ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस की जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, लेकिन सपोर्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड कर शो कर रही है। तो एक तरह से इसका जो आप कह सकते हो ट्रेंड लाइन का जोन है वो नैरो हो रहा है, इसका जो कंसोलिडेशन जोन है वो नैरो होता दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में यदि कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाता है तो फिर बड़ी ब्रेकआउट इसके चार्ट में दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता है, ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट ही करता दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखो, लास्ट वन मंथ में 10% की बढ़िया रैली हो चुकी है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी हुई है, लेकिन 28 के अराउंड इसमें एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से इस स्टॉक में फिर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। सिक्स मंथ का डाटा देख लो, 42% की रैली जरूर हो रही है, लेकिन यहां पे भी आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है अपने लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस को ही फेस करता दिखाई दे रहा है, 30 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो 30 का लेवल इसका लॉन्ग टर्म का एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक ये स्टॉक इस लेवल को पार नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी रैली इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप 30 के लेवल पर फोकस करें और इसके जो क्वार्टरली नतीजे आएंगे उन पे भी आपको फोकस करना होगा। लास्ट वन ईयर में 15% की गिरावट इसके चार्ट में दिख रही है, ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही गिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 ईयर्स में अभी भी 900% से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जरूर एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी कंसोलिडेशन है, जिसका मेन जो कारण है वो है इसकी वैल्यूएशंस। पीई मल्टीपल्स, पी होता है दोस्तों प्राइस, ई होता है उसकी अर्निंग। जब प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 100, 200, 300 हो जाती है, तो एक तरह से फिर उसके चार्ट में गिरावट होती है। क्योंकि दोस्तों, पीई रेशो जो हाई होती है सस्टेनेबल नहीं होती है। तो कंपनी को अपनी या तो प्राइस को रिड्यूस करना होगा स्टॉक की, या फिर अर्निंग को ग्रो करना होगा। अर्निंग को भी इतना ज़्यादा ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो सही पीई वैल्यू होती है किसी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक की, 10 से लेकर 20 तक की जो पीई मल्टीपल्स है सही मानी जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यूएशंस बहुत ही हाई हैं, इसलिए आने वाले टाइम में थोड़ी जो है आपको वोलेटिलिटी के चांसेस हैं, गिरावट के चांसेस हैं। ये स्टॉक कंसोलिडेट ही करता दिखाई दे सकता है फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, इसलिए शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा अलर्ट रहें। शॉर्ट टर्म में अभी इस स्टॉक में वोलेटिलिटी रह सकती है। सो थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।